जा रहे हैं भैया जी, जा रहे हैं जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए राधा और कृष्ण कैसे डांस कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग यहाँ रायगढ़ आए हुए हैं, और जिसके लिए हम आए हुए हैं वो पिछले ब्लॉग में आपने नहीं देख पाया होगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था। तो इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे वहाँ ले जाके। तो जन्माष्टमी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से झांकी वहाँ की निकालते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मम्मी लोग पहले आ चुके हैं और झरना और मेरा और हमारी बहन भी। फिलहाल हम लोग छत में ही थे, अभी जस्ट मैं इसको सेकेंड ब्लॉग स्टार्ट किया। और पिछले वाले ब्लॉग में हमारी जो मौसी है वो दोना पत्तल का सिलाई कर रही थी, तो फाइनली यहाँ एक झोला सील के रेडी है और पकड़े हैं यहाँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, अभी तो सिलाई वगैरह चल रहा है, तो हमारे जो मामा और मामी दोनों यहाँ जन्माष्टमी करते हैं, तो उनके लिए यहाँ रखने उखने के लिए फिलहाल हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। तुम्हारा क्या नाम है? नितिन। कहाँ से हो? बिहार। बिहार? तुम? समर्थ, हरियाणा से। हरियाणा। और तुम? कृष्णा। कहाँ? सरसीमा। अच्छा, और ये हमारे भाई हैं छोटू। तो तुम लोग गए थे ना झांकी देखने? अभी जाएंगे? अभी शायद जाएंगे। अभी कल तो हम लोग श्याम मंदिर का देखे थे। हाँ। और आज शायद गौरी शंकर का देखे, वो बहुत बड़ा आता है। अच्छा, दोनों जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पास कौन सा पड़ेगा? यहाँ से पास पड़ेगा श्याम मंदिर। और हमारे एक भाई का चैनल भी है, तुम्हारे चैनल का नाम बता दो। एएसएस शर्मा स्टूडियो। क्या बोलेंगे, पेंट आर्ट, आर्ट चैनल है इनका, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुम्हारा तो नहीं है ना चैनल? गाइस, हम लोग फिलहाल उतर रहे हैं छत से नीचे, और नीचे वही खाना वाना बन रहा था पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, जहाँ भजन कीर्तन करने वाले मंडली लोग भी आ चुके हैं। तो चलिए एक आध भजन कीर्तन आपको सुनवाएंगे। तो अभी तो शुरू हो रहा है स्टार्ट। यहाँ पे देखिए भंडारा बन रहा है, क्या पूरी बना रहे हैं ना मैडम, और यहाँ छान रहे हैं हमारे चाचा जी, इनको स्पेशली भंडारा बनाने के लिए ही बुलवाया गया है। कैसे नीनी, तू भी बना रही है कि? मैंने बना रही हूँ। गाइस, चलिए फाइनली सेटिंग वेटिंग हो गया, जो जो करना था। यहाँ प्रसाद ग्रहण भी किया जा रहा है। मम्मी, मेरे लिए भी निकाल दीजिए। तो चलिए हम भी थोड़ा खा लेते हैं। चलो, अब सीधे झांकी को देखने चलते हैं जिसके लिए हम आए हैं। तो बाकी सब लोग सवारी हमारे बैठ चुके हैं, छोटू, बिट्टू, झरना, मौसी, मम्मी, सब चलें कि? गाइस, हम लोग यहां से सीधा जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और फिर वहां आसपास में पार्क कर देंगे गाड़ी, क्योंकि उधर जाएगा नहीं। तो गाइस, हमने गाड़ी अपना नटोर स्कूल में पार्क कर दिया, और यहाँ से देखिए काफी भीड़ लग रहा है, लोगों का आना जाना तो लगा ही हुआ है। तो चलिए इधर ही चलते हैं। गाइस, यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं। और हर गली हर मोहल्ले में देखिए भीड़ है। तो चलिए, हम लोग को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी लोग वहीं जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि झांकी अभी वहीं लगा है, पिछले बार गौरी शंकर में लगा था, अभी श्याम मंदिर में लगा है। तो गाइस, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। देखिए, अगर जितना निकट हम लोग पहुंचते जा रहे हैं उतना भीड़ यहां पे देखने को हमें मिल रहा है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम
हमारा फर्स्ट टाइम है। इस देखिए यहाँ भक्तों के लिए भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है, देखिए भव्य भंडारा। और तो गाइस चलिए हम लोग प्रवेश द्वार के काफी नजदीक हैं। पुरुष महिला सबका अलग अलग है। चलो चलो, कैसे डर लग रहा है क्या? हाँ मेरा कंधा को पकड़ ले तू। सब्जी मंडी है। अच्छा ये सब्जी मंडी है क्या? उधर से सीधा जाके। चलो चलो चलो। तो गाइस देखिए कितना अच्छा से सजाया गया है, यहाँ लाइट लाइट लगाया गया है। वाओ, हमारे लिए सब चीज नया है तो हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है देख के। दसवीं बार आ रही हूं। दसवीं बार आ रही हूं। दसवीं बार? हाँ। मतलब दस बार आ चुका है? हाँ। वाह, तो गाइस चलिए झांकी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा, दिखाते हैं आपको। सबसे पहला देखिए यहाँ पे हमारे गणेश जी, यहाँ पे चूहे लोग कैसे कर रहे हैं देखिए। वाओ, सो नाइस, मजा आ गया देख के। और नेक्स्ट यहाँ से देखिए हमारे हनुमान जी, और हमारे सामने में जस्ट हमारे श्री रामचंद्र हैं, और बगल में एक हैं लेकिन ये नहीं हिल रहा है। हमारे हनुमान जी हिल रहे हैं देखिए, राम नाम का नाम ले रहे हैं। ऐसे कई सारे हैं, पूरा लाइन से ऐसे बनाया गया है, एक एक बारीकी से आपको दिखाऊंगा। हमारे लिए भी नया है तो देखेंगे क्या क्या चीज़ देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए शिव और पार्वती, क्या जबरदस्त गाइस, एक साइड शिव एक साइड पार्वती, तो जैसे अलग होंगे देखिए उसके बाद फिर से सट रहे हैं। वाओ, क्या रहता है क्या छोटू? अरे जल्दी सट जा मेरे माँ। देखिए गाइस, और यहाँ से राम लक्ष्मण और सीता जी। वाओ देखिए, पे शंकर पार्वती जी का है गाइस। यहाँ देखिए एक बड़ा सा शिवलिंग, और शायद उनके अगल बगल में है कोई कोई, मैं तो नाम नहीं जान रहा हूँ तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको। गरुड़ देवता हमें दिख गए, विष्णु जी हमारे, और यहाँ पे नारद जी हमारे हैं। चलो चलो चलो, हमारे मम्मी लोग तो काफ़ी आगे बढ़ गए, बाकी हम लोग आराम से आपको दिखाते दिखाते लेके जा रहा हूँ। यहाँ देखिए हमारे गरुड़ जी को कितना जबरदस्त मूवमेंट हो रहा है इनका, जबरदस्त, ऐसा लग रहा है कि जीवित है टाइप का। बाकी ये ऐसा बनाया गया है, देखिए हमारे नरसिंह भगवान जो हैं वो अपना नरसिंह रूप लेके एक राक्षस का चीर हरण कर रहे हैं। जा रहे हैं भैया जी, जा रहे हैं जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए राधा और कृष्ण कैसे डांस कर रहे हैं, और यहाँ पे उनकी गोपियाँ हैं अगल बगल में, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है देखिए। वाह, देखिए हमारे माखन चोर फिर से दिख गए, तो यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान को नहलाया जा रहा है। हाँ देखिए हमारे श्री कृष्ण जी को फिर से हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे साथ में उनके गोपियाँ हैं, तो वो झूम रहे हैं नाच रहे हैं, तो ऐसा दर्शाया गया है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? हाँ कृष्ण जन्माष्टमी, इसीलिए कृष्ण जी को ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ गाइस यहाँ देखिए शायद ये हमारे, ये कौन है? परशुराम। चलिए ठीक, धन्यवाद। इस यहाँ से थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे आना जाना के लिए आदमी लोग का बनाया गया है, बाकी यहाँ से कोई भी आना जाना कर सकता है साथ में। वहाँ तक महिला अलग पुरुष अलग था, अब यहाँ से चलिए आपको दिखाएंगे। इधर तो शायद ख़त्म हो गया, बस यहीं तक था, यहाँ से एंड हो गया। बाकी देखते हैं और कहीं कहीं कुछ देखने को मिलेगा। हम लोग वहाँ से घूमे थे, वहीं तक था, तो हम लोग एंट्री वहाँ से हुआ था, तो ऐसे हम लोग देखते हुए आए थे। भीड़ है यहाँ देखिए, यहाँ से लिखा है यशोदा माँ के आंगन में माखन चोरी की लीला, तो यशोदा मैया के यहाँ शायद कृष्ण भगवान माखन चुरा रहे थे, तो उन्हीं का यहाँ पे दर्शाया गया है देखिए। तो अपना जो यशोदा मैया है वो उनको डंडा पकड़ के दौड़ा रही है, और उनके पीछे जस्ट दही वाला हंडी है देखिए, और यहाँ से माखन वाखन निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं सब वही माखन निकालने वाले होंगे। जय राधे कृष्ण।
लौटा, तुम भाग कर ले लो। आइसक्रीम है? नहीं है, चलो। एक्चुअली हम अपने पार्किंग वाले एरिया में आ चुके हैं। ये है यहाँ का बहुत ही विशाल, देखिए नटवरलाल अपना गाड़ी यहाँ पे लगाया था। चलो बोल रहा है, हम लोग को भी दिखा रहे हैं, अपना अपना देखते हो तुम लोग। कौन सा क्या है बता दो, ये कौन सा है? ये अपना होटल। कौन सा? ये वाला। कौन सा है बिट्टू? ये पीछे जो वो जो पीछे छूटना ना जी, ब्राउन कलर का होटल गेट है ना, छूटा ना भाई। अच्छा, क्या होटल? यहाँ झाड़ी होटल, यहाँ झाड़ा होता है, कुछ हो जाता है। अच्छा, झाड़ फूक होता है क्या? गाइस चलिए पहुंच गए और हमारा भजन कीर्तन चल ही रहा है। गाइस चलिए, हमारे कृष्ण भगवान का अभी जन्म होने वाला है। जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म होगा उसके बाद उनको नहलाया जाएगा, टीका चंदन किया जाएगा, उसके बाद पूजा पाठ किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए झूला है एक, वहाँ पे झुलाया जाएगा। लाल की, हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है। आइए 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 आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भाई देखिए, अब नहलाने के बाद थोड़ा सा पोंछ दिए, उसके बाद अभी चंदन शायद क्या चीज का लेप लगा रहे हैं? चंदन का है, चंदन का ना ठीक। देखिए यहाँ चंदन का लेप लगाया जा रहा है। हरे हरे भगवान नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे। हमारे भगवान के लिए देखिए यहाँ पे वस्त्र, अभी थोड़ा सिकाई चल रहा है, देखिए सिकाई हो गया, अब इनको देखिए कपड़ा पहनाया जा रहा है। ये तिलक तिलक माला वाला, चलिए जनेऊ वाला रस्म भी पूरा हो चुका है यहाँ देखिए। श्रृंगार किया गया है भगवान का, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए उनका मुकुट भी है यहाँ। अवम भवामि सहितं नमामि। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल।
गाइस चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए एक प्यार भरा लाइक तो बनता है, साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आज का हमारे पंडित जी, आप कहाँ से हैं? यहीं से जी। तो जैसे आपको कराना होगा तो संपर्क जरूर कर सकते हैं। काफी अच्छा और बहुत मजा आया हम लोग को, तो खूब हम लोग झूमे नाचे, तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।